अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी कुक शबाना अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरांवाला। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े का और लजीज सालन बनाना सिखाऊंगी, चने और कोफ्ते का सालन। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उनमें सबसे पहले मेरे पास आधा किलो कीमा है। उसके साथ सालन बनाने के लिए चने हैं मेरे पास, ये भी आधा किलो है। और इनके अंदर जो चीज़ें हम ऐड करेंगे, उनमें बेसन है 2 चम्मच मेरे पास, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, और इसके साथ साथ एक अंडा है मेरे पास, इसके वो भी इसके अंदर डालेंगे, और तमाम मसाला जात इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो आइए सबसे पहले कोफ्तों के लिए कीमा तैयार करते हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट हम इसके अंदर डालेंगे, और साथ ही सब्ज़ मिर्च पिसी हुई इसके अंदर इस तरह ऐड कर देंगे। इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, 1/2 चम्मच मसाला पाउडर, खुश्क धनिया है बारीक पिसा हुआ है 1 चम्मच, इसके अंदर मैंने ऐड किया है काली मिर्च 1 चुटकी अंदर डालेंगे, और इसके साथ ही बेसन 2 चम्मच है मेरे पास, ये इसके अंदर डाल देंगे, और ये 1 अंडा है ये भी इसके अंदर डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये इसको मिक्स करते हैं इस तरह से, हाथ के साथ आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना ये जितने। इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मसाला और कीमा कोफ्तों के लिए हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम 10 मिनट पड़ा रहने देंगे, उसके बाद इसके कोफ्ते बनाएंगे। कीमे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके कोफ्ते बनाने शुरू करते हैं। इस तरह से देखें, ये आप ना बहुत छोटे बनाएंगे ना बहुत बड़े बनाएंगे, दरमियाना साइज़ आपने इनका रखना है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें। ये इस तरह से ये नहीं, ये सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, और अब हम इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, और उस दौरान हम अपना जो सालन है चने का वो तैयार कर लेते हैं। तो आइए उसकी चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि उसको हम किस तरह से बनाएंगे। चने का सालन बनाने के लिए 1/2 किलो चने हैं, ये उबले हुए हैं मेरे पास, और इसके अंदर पानी भी है। इसके साथ प्याज का पेस्ट है, टमाटर हैं कटे हुए, लहसुन का पेस्ट है, और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च कुटी हुई है मेरे पास, ये इसके अंदर थे, और तमाम मसाला जात जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आइए चने का सालन बनाना शुरू करते हैं। तो आइए चने का सालन बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक देगची में ऑयल डाला है, एक प्याली है ये, इसके अंदर हम प्याज का पेस्ट डालेंगे और इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देंगे। लहसुन अदरक और प्याज के पेस्ट को हम लाइट सा ब्राउन करेंगे, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, ये 2 चम्मच नमक डाला मैंने इसके अंदर, और 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, इसके साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी,
इसी दौरान थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि नीचे हमारा मसाला ना लगे और इसको अच्छे तरीके से हिला दें। लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जब इस तरह से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप एक कटा हुआ टमाटर है मेरे पास इस वक्त इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही कटी हुई सब्ज मिर्च है मेरे पास वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरह से आपने हिला देना है और ये हमारा मसाला जो है वो चने के सालन के लिए तैयार हो रहा है। इसके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत मज़ा देता है सालन में, इसको लाजमी आप लोग इस्तेमाल किया करें। भुन चुका है, इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनते और बहुत कम भी नहीं भूनते। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका घी जो है वो इस तरह से ऊपर आ जाए। जब ये इस तरह ऊपर आना शुरू हो जाए तो समझे आपका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। और ये चने का सालन बनाने की एक ख़ास टिप जो है मेरी ये है कि ये घी जो है इसको मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। मसाला हमारा भुन चुका है और इसमें देखें घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनते, इससे इसकी गजाइत ख़त्म हो जाती है। तो दरमियाना भूनना है हमने इसको और इस तरह से इसका घी जो है वो थोड़ा सा मैं अलहदा कर लूँगी और उसको एंड पे जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा उस वक्त मैं एंड पे जाके डालूँगी। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको मैं किस वक्त डालती हूँ। तो इस तरह से आपने भी थोड़ा सा घी इसमें से इस तरह से अलहदा कर लेना है। ये मेरे पास सुरख मिर्च है साबत, ये 4 से 5 दाने मैं अंदर ऐड कर रही हूँ। इनकी भी बहुत प्यारी लुक आती है सालन के अंदर, आप लोग भी इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सुरख साबत मिर्च। अब हम इसके अंदर ये चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे ये इसके अंदर ऐड करूँगी और इनको भूनूंगी इस तरह से। ये चने सारे आपने अंदर ऐड करने हैं। ये तकरीबन आधा किलो है मेरे पास, ये पहले से मैंने बॉईल करके रखे हुए थे और इस तरह इनको मिक्स कर देंगे अंदर मसाले के। देखें अब इन चनों को हम अंदर अच्छी तरह से एक दफ़ा भूनेंगे मसाले में। और ये चने मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले भगो के रखे थे। आप भी जब भी चने या दाल का सालन बनाएं तो उनको पहले से भगो लिया करें, फिर आपके चने या दाल जो है वो ज़्यादा मज़े की और अच्छी बनेगी। मेरे पास उबले हुए चनों का पानी है जिसमें मैंने चने बॉईल किए हैं, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो आप लोगों ने भी ये इसी तरह जो है इसका पानी ज़ाया नहीं करना, इसके अंदर फुल गजाइत होती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप चने डिप करें पानी में भगोएं तो उस वक्त पानी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब ये चने हमारे तरह से मसाले के अंदर भून चुके हैं, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर भी पानी ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छी तरीके से एक दफा हिला देंगे। इसको आधा घंटा पकने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के। चने हमारे पक रहे हैं और इसी दौरान हम ये थोड़े से चने इस तरह से एक प्याली में निकाल लेंगे। ये चने ये एंड पे मैं इनको मैश करके अंदर शामिल करूंगी। इस तरह से आपने भी निकाल देने हैं और दोबारा ढक्कन लगा देंगे। अभी इनको मज़ीद पकने देंगे। आधा घंटा हो चुका है तो आइए चनों को चेक करते हैं। देखिए बहुत मज़े का चने का सालन तैयार हुआ है, बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। देखें बहुत ही मज़े के बने हैं। अब इस टाइम इसके अंदर हम गरम मसाला और काली मिर्च ऐड करेंगे। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच काली मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको इस तरह से हिला देंगे हम। और इसके साथ ही
चने मैंने थोड़े से दरमियान में निकाले थे, इनको मैंने मैश कर लिए है, ये इसके अंदर डालेंगे। इससे भी आपके चने जो है वो गाढ़े गाढ़े बनेंगे, पतले नहीं बनेंगे। ये भी अंदर अपना बहुत मज़ा देंगे ये चने भी अंदर। इसी तरह से साथ ही हमने ये कटा हुआ टमाटर एक है ये अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए बहुत प्यारी लुक आ रही है, बहुत मज़े के ये तैयार हुए हैं। और इसके साथ ही हमने ये निकाला था ऑयल दरमियान में, ये भी मैं इस वक्त इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम चूल्हा जो है बंद कर देंगे। देखिए बहुत ही मज़े की हमारी ये चने की डिश तैयार हुई है। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देख सकते हैं इनकी बहुत प्यारी लुक आ रही है। तो अभी हमने कोफ्ते फ्राई करने हैं, उसके बाद इनके अंदर डाल के तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आइए अब हम कोफ्ते फ्राई करते हैं। कोफ्तों के लिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर एक एक करके हम इस तरह से कोफ्ते डालेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इनको वन बाय वन इस तरह निकाल लेंगे। और ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक चुके हैं क्योंकि मैंने इनको मीडियम आंच पर पकाया है, फ्राई किया है। ये सारे हम इस तरह से निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, फ्राई कर लिए हमने इनको। आइए अब हम इनको चने के सालन में डालते हैं जो कि पहले से हमने तैयार करके रख लिया हुआ। कोफ्ते इस सालन के अंदर डालते हैं। सालन भी हमारा बहुत मज़े का तैयार हुआ है। आप भी मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए ये मैंने अंदर डाल दी हैं, आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। प्याले में निकालते हैं इसको एक बाउल में, आप इसको नान के साथ खाएं। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।